वैष्णो देवी माता का दरबार आप देख सकते हैं, जिसे हम भवन बोलते हैं, माता रानी का भवन, क्योंकि माता रानी यहाँ निवास करती हैं। और माता रानी के देखिए, आप देख सकते हैं, मैं जूम कर रहा हूँ, लाइनें लगी हुई हैं बहुत लंबी, यहाँ तक लाइन लंबी लगी है, अंदर बहुत अंदर घुमाव है। और ये जय माता जो लिखा हुआ है, इसमें आप जाके रात में या दिन में कंबल मिलता है आपको, आपको 100 रुपया टोकन जमा करना पड़ता है कंबल के लिए, फिर वापस करेंगे तो आपको पैसा वापस मिल जाता है। विश्राम कर सकते हैं, उसमें खाने की व्यवस्था है, बाथरूम है, नहाने के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। आप अगर नहाए नहीं हैं, नहा के स्नान करना चाहते हैं, लॉकर्स हैं, तो अपने जो भी सामान है आप ताला लेके आएँ या ताला ख़रीद लें, लॉकर्स में सामान रखें, लॉक करें, दर्शनार्थ दर्शन करने के बाद आएँ, अपना लॉकर खोलें, अपना सामान लें। अगर विश्राम करना चाहते हैं विश्राम करें, कुछ नाश्ता करें नाश्ता करें, और नाश्ता करने के बाद आप इधर से होते हुए आएंगे, और इधर से सीढ़ी से होते हुए आएंगे, और ये घुमाव है, यहाँ से आएंगे, टिकट लेंगे। अगर आप रोपवे से जाना चाहते हैं तो रोपवे से जा सकते हैं, बाबा भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए, और रोपवे के द्वारा आ सकते हैं, जिसका टिकट 100 रुपये का है आने और जाने का। तो जैसे कि हमने वीडियो में दिखाया था आप लोगों को कि आने का क्या अनुभव रहता है, और हम लोग जाने का तो चढ़ाई से किए थे, जैसे देख सकते हैं कितनी ऊँची ऊँची चट्टाने हैं, और काफ़ी ऊँचाई को पार करते हुए दूसरे तरफ जब हम आते हैं तब ये माता रानी का दरबार हमको मिलता है। और गुफा के जैसे पहाड़ों के अंदर गुफा में हमको जाना होता है, और गुफा में पहाड़ों के अंदर गुफा में जाके फिर दर्शन करके फिर वापस आना होता है। तो माता रानी का इसलिए कोई मंदिर या गुंबद नहीं दिखता है अभी हमारी जानकारी में, क्योंकि वो पहाड़ों के अंदर है, और अंदर जो भी है वो सब मतलब माता रानी आपरूप यहाँ पे प्रकट हुई थी। 52 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है ये, तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे कितनी बड़ी खाई है, और यहाँ पे सारी सुविधाएँ एक बहुत अच्छी है। जैसे आप देख सकते हैं भोजनालय, यहाँ पे हम लोग खाना खाए थे, और यह रोपवे हमारा रेडी है जाने के लिए। अब मैं वीडियो में कैच कर लेता हूँ, अब ये चलता है तो मैं दिखाऊँगा, काफ़ी मतलब अच्छा अनुभव रहा। देखिए अब गेट बंद हो रहे हैं इसके, अब वहाँ से वो चलेगा बाबा भैरवनाथ के लिए। और बाबा भैरवनाथ में आपका दर्शन नाथ बहुत अच्छे व्यू हैं, आप फोटो वीडियो और कॉलिंग के द्वारा अपने परिवार के लोगों को भी दिखा सकते हैं, बहुत अच्छी मतलब व्यू आता है वहाँ से, सारी चीज़ें दिखती हैं। और यहाँ आप अगर खाना खाते हैं जो वैष्णो देवी ट्रस्ट है, तो वहाँ से आप ये फ़ोटो वीडियो भी ले सकते हैं। और आप देखिए ये ट्रॉली चल चुकी है रोपवे की, और यहाँ से ट्रॉली आगे बढ़ेगी, 2 मिनट लगता है सिर्फ जाने में बाबा भैरवनाथ की। चढ़ाई करेंगे तो आपके 1 से 1.5 घंटा लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है, आधे घंटे भी लग सकते हैं, जैसी आपकी स्टेमिना हो। और वीडियो का ये संपूर्ण करते हैं, आगे अलग अनुभव को और शेयर करेंगे। जय माता दी, जय श्री राम।